हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपके रेनू मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन हाउस, राष्ट्रभाषा भाग पांच पार्ट नौ, दाया बाया। दाया क्या होता है बच्चों? सीधा। और बाया क्या होता है? उल्टा। दाया राइट, बाया लेफ्ट। इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारे हाथ है दोनों, दाया बाया, ये हमारी कैसे सहायता करते हैं, हर कदम पर हमारी सहायता करते हैं। ये कैसे कैसे करते हैं? राजा के दो हाथ थे, सभी के दो हाथ होते, दाया और बाया। राजा को जब भी कोई काम होता था, ये दोनों बैठे ठाले आपस में उंगलियां लड़ाया करते थे। कोई भी काम होता राजा कुछ सोचने, जैसे हम भी कुछ सोचने लगते हैं तो अपनी उंगलियां ऐसे करते रहते हैं ना, तो ऐसे राजा के लिए कहा कि दाया और बाया दोनों अपनी उंगलियां रगड़ते थे, एक दूसरे की पीठ खुजाते थे। दाया और बाया एक दूसरे की पीठ खुजाते थे, मलते हथेलियां मलते, कभी एक दूसरे के क्या करते थे, नाखून भी काटते थे। दोनों को एक बहुत बुरी आदत थी, किसको? दाया को भी और बाया को भी। राजा जब कोई बात करता तो ये उसकी बातों की नकल करते थे। राजा कहता चांद गोल है तो दाया उंगली खोलकर चांद गोल करता था, गोल ऐसे दिखाता था। और कभी कभी इसमें बाया भी शामिल हो जाता था, लेफ्ट वाला भी मिल जाता था, दोनों मिलकर एक गोल फुटबॉल की शक्ल बना। कभी तो सीधा हाथ वो करता था दाया से, कभी दूसरा भी मिल जाता था, वो दोनों मिलकर करते थे गोल मटोल है ना। बाया जरा कम बोलता था, लेफ्ट, हम लेफ्ट हाथ से कम काम लेते हैं, बाएं हाथ से वो कम बोलता था, लेकिन दाया तो ठीक ठाक था और उसे रहा ही नहीं जाता उससे। तो वो राजा अगर छींकने लगता था तो वो अपनी नाक मसल मसलता, जब हमें छींकाते तो हम सीधा से ऐसे ऐसे करने लगते हैं ना, मसल मसलते, उसको रोकने की कोशिश करता था, पर छींक तो आनी ही थी, रुकती तो है नहीं वो, और छींक को कौन टाल सकता है भला। राजा जब खाना खाने बैठता तो वही निवाले तोड़ तोड़ के दाया हाथ उनके मुंह में डालता था। कभी कभी जब राजा का तो दाया हाथ ही चलता था, दोनों हाथ उसके ठीक थे, किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो बाएं हाथ से भी खाता है, तो बायां भी कभी कभी ये काम कर लेता है। उसे हिचकी आती तो फौरन पानी का गिलास उठाकर दाया हाथ ही राजा को दे देते थे, पानी का गिलास भी उठाकर देते। दोनों सेवा में इतने चुस्त थे कि राजा कभी सूरज की तरफ देखता तो उस कहने से पहले ही दाया उनकी आंखों पर शायद ढक लेता था कि सूरज के ऊपर देख रहे हैं तो दाया हाथ ऐसे आ जाता है। हमारे भी ऐसे ही होता है बच्चों, जब भी हम कभी जाते हैं तो हमारा हाथ, जिनको हम कभी समझ नहीं पाते कि हमारी ये कितनी सहायता कर रहे हैं। अब मैं भी आपसे जैसे पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ भी आपको अपने हाव भाव से कभी दाया चल रहा है, कभी बाया चल रहा है, समझा रहे हैं ना, अपना अपना काम कर रहे हैं। कभी कभी जल्दी भी कर बैठते थे ये दोनों। दाएं ने जल्दी की सेवा की, राजा को मालूम था कि दूध का गिलास गर्म है, लेकिन दाएं ने होशियारी की और अपनी दोनों उंगलियां जला ली, दाएं हाथ की दोनों उंगलियां जल गई, दूध राजा के कपड़ों पर गिरा दिया। राजा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तेरी कमबख्त, बस इतना ही कह के वो चुप हो गए। बाया ने बढ़ के राजा के कपड़े झाड़ दिए, अब बाया हाथ से राजा कपड़े झाड़ने लगा और उसकी हमदर्दी जताई, राजा को कहा कि अरे हाथ ने काम कर दिया, डॉक्टर को बुला के मरहम करवा दिया। दोनों बहुत सेवा करते थे राजा की, दोनों वफादार भी बहुत थे। राजा की लड़ाई हो जाती किसी दुश्मन से तो दाया फौरन तलवार खींच लेता था और बाया ढाल संभाल लेता था, ढाल पकड़ लेता था, दाया तलवार निकाल लेता था। राजा घोड़े पर सवार होता तो दाया चाबुक से संभाल लेता था, जब राजा घोड़े पर सवार होता था तो दाया उसको चाबुक से संभाल लेता था और बाया घोड़े की लगाम खींचता था, बाया तो घोड़े की लगाम खींचता था और दाया वाला क्या करता था, चाबुक संभाल लेता था। तभी राजा अपने ख्यालों में अगर गुम होता था, किसी सोचता रहता था कोई बात, तो दोनों बारी बारी से उठते राजा की दोनों, जब कभी हम सोचते हैं तो सोचते सोचते कभी हम कुछ भी करने लगते हैं, कभी सिर खुजाने लगते हैं, कभी मूछ जेंट्स मूछ बरोने लगते हैं तो वो मूछ बरोने लगते, दाढ़ी में उंगली फेरने लगता है, करते हैं ना, ये बात अब ध्यान आ रही है ना कि हमारे हाथ कितने काम करते हैं हमारे। राजा बैठने का इरादा करता तो दाया झुककर कुर्सी उठा लेता था और राजा की कुर्सी बाग में लगा दो, कहते हैं दाया उंगली के इशारे से नौकर इधर लाओ कुर्सी यहाँ लगा दो, दाया काम करता है। वफादार ऐसे कि राजा जो भी सोचता बाया कागज निकालकर सामने करता और दाया फौरन उस पर लिख देता था, बाया हाथ ने कागज निकाला और दाया हाथ उस पर लिख देता था। कभी कभी तो राजा थक जाता था उन दोनों से, इसलिए सोता वक्त दाया तो राजा के सिर के नीचे अपना दबा लेता था हाथ और बाया हाथ को वो ऐसे खुला छोड़ देता था। उसने देखा था कि दोनों एक दूसरे के बेलगाम गवाह थे, एक दूसरे के बिना दोनों किसी की सहायता नहीं कर पाते, दोनों बड़े एक दूसरे की सहायता करते थे, एक हिलता तो दूसरा हिलता जरूर था,
एक हिलाओगे हाथ तो दूसरा भी हिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि एक चुपचाप पड़ा रहेगा। नहलाते धुलाते दोनों भी वही थे राजा को। राजा कुछ कहने से पहले दायां साबुन उठा लेता था और बायां से कहता बायां मल, तो बायां राजा साबुन उठाता था और बायां मलने लग जाते थे। राजा की बगलों में साबुन लगाने के लिए जब बगल में साबुन लगाते थे तो वो दोनों एक दूसरे से कभी बायां लगाता था तो कभी दायां, एक दूसरे से छीन लेते थे। शरारती भी थे दोनों बहुत। कभी कभी बायां राजा की आंख पे साबुन लगा देता तो राजा चिल्लाने लगता, दायां जल्दी जल्दी पानी का लोटा उठाता, पानी डालकर राजा का मुंह धो देता था। दोनों हाथ इतनी सहायता करते थे उनकी, है ना। और लेकिन कभी कभी राजा झरने के नीचे खड़ा हो जाता था तो बहुत मजा आता, लेकिन ये दोनों छटपटाने लगते थे। एक बार राजा के वजीर ने ये बगावत कर दी कि जब बगावत की तो राजा की ख्वाब गांव में घुसकर सबसे पहले इन्हीं दोनों को हथकड़ियां पहनाई। एक बार राजा के वजीर ने कुछ झगड़ा कर लिया और राजा को वहां जाकर उनके जहां पर वो बैठे हुए थे उनके दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी। राजा की बेबसी देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आया, उंगलियां भींच भींच कर उन्होंने खूब हाथों से मुट्ठियां दिखाई, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूर थे बेचारे, कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे। वजीर ने राजा को ले जाकर किले की मीनार में बंद कर दिया। वजीर ने क्या करा, राजा को ले जाकर किले की मीनार में बंद कर दिया और दीवार के एक खूंटे से जंजीर राजा के पांवों में डलवा दी। राजा के पैर में क्या डाल दी, जंजीर डाल दी। मीनार के ऊपर वाली कोठरी में कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, वेंटिलेटर जो होता है वो भी नहीं था, सिर्फ एक सलाखों वाला दरवाजा था जहां से पहरेदार आकर खाने की थाली रखता और लौट जाता था। दोनों चाहते थे कि किसी भी तरह निवाला यानी कि गस्सा तोड़कर राजा के मुंह में डालें, पर वो क्या था, उसमें बेड़ी डली हुई थी और राजा के हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। गुस्सा तो उन्हें आता था कि हाथ निकालकर राजा को खिलाए, पर उनमें बेड़ियां डली हुई थी। दाया बाया अपनी उंगली खींच के रह जाते थे। राजा की मजबूरी पर दोनों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। एक रोज दोनों ने मिलकर क्या करा कि राजा की दरवाजे की कोने वाली सलाख पकड़ ली और राजा से कहा कि तुम भी जोर लगाओ, और टेढ़ी करके वो सलाख बाहर निकाल ली उन्होंने। और उस रोज जब पहरेदार दाखिल हुआ, अंदर एंटर किया पहरेदार, तो उन्होंने बाएं ने क्या करा, झटके से उसकी पगड़ी पैर के नीचे गिरा दी और दाएं ने सलाख उसके सिर पर दे मारी। और जैसे ही पहरेदार ने चीखने के लिए मुंह खोला, बाएं ने उसका मुंह बंद कर दिया और दाएं ने जल्दी से उसकी पगड़ी उसी के मुंह में ठूंस दी और उसे अंधा कर दिया। दोनों ने मिलके उसी की पगड़ी से उसे गठरी की तरह बांध दिया। दोनों ने कंधे कोने तक का जोर लगा के राजा के पैर की दोनों ने हाथों ने, तो दोनों हाथ आजाद हो गए, दोनों ने राजा के पैर की जंजीर खोल दी। राजा के लिए ये मौका बहुत अच्छा था, वो तो दरवाजे से बाहर निकला और ऊपर की छत पर चढ़ के किले के पीछे वाली नदी में कूद गया। दाएं बाएं ने भी खूब मेहनत की, खूब राजा को नदी पार कराने में खूब सहायता की उनकी, और राजा दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर क्या था, पास ही घास चढ़ता हुआ एक घोड़ा दिखाई दिया। दोनों ने उसकी गर्दन सहलाई, उसको फुसलाया और राजा को उसकी पीठ पर लेकर गांव पार करके सल्तनत की हद से बाहर राजा को ले गए। राजा का रसूख पड़ोसी राजाओं के साथ अच्छा था, जो राजा का पड़ोसी राजा था वो राजा के साथ बहुत अच्छा था। एक महीने के बाद जब पड़ोसी की फौजें लेकर लौटा और गद्दार वजीर को बाहर निकाल दिया गया, फतेह के जब राजा जीत गया तब राजा रथ पर सवार होकर उस शहर से गुजरा तो फतेह का झंडा उसने दायां हाथ में और बाएं को सौंप दिया और दोनों बारी बारी उसको लहरा लहरा कर उस झंडे को जय जयकार का जवाब दे रहे थे। तो राजा मुस्करा मुस्करा कर यही काम कर रहे थे। जब राजा वहां से वापस आ गया जीतकर, तो राजा ने झंडा हाथ में लिया तो दायां उसको फहरा रहा था, कभी उसको बायां फहरा रहा था उस झंडे को, और राजा की वो क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। उन्होंने दोनों दाएं बाएं ने राजा का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, पूरे समय तक वो राजा के साथ ही रहे। जब वो अंदर फंस गए तो सलाखें लेकर उन्होंने जो अंदर आया था खाने देने वाला तीमारदार, उसकी पगड़ी नीचे गिरा दी, फिर दूसरे बाएं ने उसको मुंह में ठूंस दिया, उसको अंधा कर बाएं ने उसकी आंखों पर हाथ रख लिया जिससे उसको कुछ दिखाई न दिए। फिर दोनों ने मिलकर राजा के पैरों की जंजीरें खोल दी और राजा को फिर राजा पीछे वाली नदी पर कूद गया। नदी में पार करने पर भी उन्होंने दोनों दाएं बाएं ने उनकी सहायता की, और जब राजा ने शहर पहुंच गया और राजा ने दूसरे राजा ने बगावत कर दी और राजा जब उससे जीत गया, तो रथ पर जब राजा सवार होकर गया तो दाएं हाथ में राजा ने झंडा ले रखा था, यानी कि राजा का दायां हाथ और बायां हाथ भी कभी कभी झंडा फहरा रहा था। राजा भी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे कि दायां बायां दोनों मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चों आपने दायां बायां के बारे में जाना, कौन थे ये दायां बायां, हम सब के पास ये दायां बायां है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबका ये सब काम करते हैं, तो हमें इनके महत्व को समझना चाहिए, है ना। पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास करें बच्चों।
प्रश्न उत्तर है, राजा के दो हाथ थे, उनके क्या क्या नाम थे? दाया और बाया। जब राजा खाना खाता तब कौन निवालों को तोड़कर उसके मुंह में डालता था? जब राजा खाना खाता था तो दाया हाथ उसके निवालों को तोड़कर राजा के मुंह में खाना खिलाता था। कहानी के अनुसार खाली बैठ हाथ आपस में क्या लड़ाया करते थे? जब राजा खाली बैठता था तो हाथ मिलकर आपस में उंगली लड़ाया करते थे, है ना। सलाखों में बैठे हुए दाया बाएं ने बाहर निकलने के लिए क्या किया? जब वो सलाखों में बैठे थे तो दाया बाएं ने मिलकर क्या करा? जो भोजन लेकर आया था तो उन्होंने उस पहले सलाख तोड़ी और उस पर मारी, उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पगड़ी बाएं ने क्या करा? उसके मुंह में ठूंस दी और दाएं ने उसके आंख पर हाथ रख दिया, उसको अंधा बना दिया। और फिर क्या करा? उन्होंने राजा के पैर की बेड़ी खोली, जंजीरें खोली, राजा को आजाद किया और फिर राजा नदी में कूद गया और वो फिर जेल से बाहर आ गए। इस प्रकार बच्चों दाया बाया का कार्य देखा आपने, कितने अच्छे कार्य किए उसने। अब यहाँ पाठ में आया हुआ जो अभ्यास कर रहे हैं उसका दूसरी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। चार विकल्प दिए गए हैं। दाया और बाया एक दूसरे को के क्या काटते थे? नाखून या बाल या दांत या इनमें से कोई नहीं, क्या काटते थे? नाखून काटते थे। तो हम यहाँ पहले पर निशान लगा देंगे। दूसरा है दाया बाया की क्या आदत थी? राजा से झगड़ा करने की आदत थी उनकी, या राजा की बुराई करने की आदत थी, या राजा की नकल करने की आदत थी, या इनमें से कोई नहीं थी? क्या थी उनकी? राजा की नकल करते थे वो। थर्ड नंबर पर हम यह निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है किसका गिलास गर्म था? जूस का, चाय का, दूध का, या इनमें से कोई नहीं? किसका गिलास गर्म था बच्चों? दूध का गिलास गर्म था। तो थर्ड नंबर पर हम निशान लगा देंगे यहाँ पर। किसने अपनी दो उंगलियां जला ली? गाय ने, या कि बाया ने, या राजा ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने जलाई थी? दाया ने जलाई थी अपनी उंगली। तो यहाँ हम दाया पर सही का निशान लगा देंगे और ये हमारा पहले वाले उत्तर पर सही का निशान लगा देंगे हम यहाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, डैश जरा कम बोलता था लेकिन डैश तो ठीक ठाक था, बाया जरा कम बोलता था लेकिन दाया तो ठीक ठाक था, है ना। राजा जब खाना खाने बैठता तो वही निवाला तोड़ तोड़ कर, है ना, मुंह में डालता था दाया ना। राजा घोड़े पर सवार होता तो दाया क्या करता था? जब राजा घोड़े पर सवार था दाया चाबुक संभाल लेता और बाया घोड़े की लगाम खींच के रखता था। राजा की मजबूरी पर दाया और बाया को ग्रह कार्य में अपने आप करिएगा, ये आप क्या होती थी ये आप खुद देखकर करेंगे ग्रह कार्य में। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करी और आपने जाना कि दाया और बाया क्या है। दाया दाहिना, राइट, बाया मतलब लेफ्ट, उल्टा। तो ये दोनों हाथ हमारे जीवन में हर एक की कितनी सहयोग करते हैं हमारा, जिसका कि हमें अंदाजा नहीं होता। हर काम में हमारा अगर हाथ ना हो तो हम कैसे करेंगे। तो दाया और बाया राजा की किस प्रकार सहायता करी ये हमने पाठ में जाना, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट पाठ में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।